अब हम सिद्धांत की बात कर ले। सिद्धांत क्या कह रहा है भैया? यदि आपने किसी भी कर्म प्रकृति को दबाया है, कुछ भी आपने दबाया है, तो भगवान जी वो दबा हुआ जो जो जितना उपशम, उपशम में क्या भैया, जितना भी उपशमित हुआ अर्थात नीचे दबा है, जितनी क्षय हो गई उतनी प्रकृतियां तो गई भैया, लेकिन जितनी भी प्रकृतियां नीचे दबी हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, जो आपने दबाया है नीचे कचरा वो तो उदय में आ जाएगी। इसलिए कहते हैं मोक्ष मार्ग में खुला खुला साधक चाहिए। भेद ज्ञान के द्वारा ही दबाया जा सकता है, और कोई दबाने का उपाय नहीं। शुद्ध भाव के द्वारा ही दबाया जा सकता है। आपको यदि उपशम हुआ है, उपशम का मतलब क्या होता है? समस्त कर्म प्रकृतियों का सम हो जाना अर्थात समस्त प्रकृतियों का नीचे दब जाना, और जो आत्मा की शक्ति है उपशम में, उपशम भाव में, उपशम श्रेणी में, तो अरिहंत भगवान जैसा वेदन आया था। 11वें गुण स्थान में यथाचरित आया था। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ भी दब जाता है। सब कुछ दबने के बाद लेकिन तत्काल वो प्रकृतियां उदय में आती हैं, और क्षणवर्ती जैसे ही वहां उदय में आई तो वो वापस रिवर्स 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें, 8वें से 7वें गुण स्थान में वापस पलायन, क्या कहें, पलायन करना पड़ता है भाई। वो पलायन का कारण ही कर्म प्रकृतियों का वापस उदय में आना है भाई। तो सिद्धांत के हिसाब से समझोगे आप तो कोई भी जीव भेद ज्ञान के बल पे, श्रेणी आरोहण में शुद्ध उपयोग के बल पे, शुक्ल ध्यान के बल, पृथक पृथक शुक्ल ध्यान, आप तो भेद ज्ञान की बात कर रहे हो भगवान जी, शुक्ल ध्यान के बल पे भी यदि कर्मों को उपशमित किया जाएगा तो नीचे दबे हुए जो कर्म है वो रिटर्न आएंगे भैया, क्योंकि जिनको आपने दबाया है वो आपकी सत्ता में, तो रिटर्न आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सुन, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला वापस आने से नहीं रोक सकती। हाँ, बस दम आप में और ज्यादा हो, आप तप के माध्यम से उनकी निजरा कर दो तो बात अलग है। इसलिए इसके लिए आपको छायक श्रेणी चढ़नी पड़ेगी। जब आप छायक श्रेणी चढ़ोगे तब उनकी निजरा होगी भैया। ये हो गई अपनी बात, काय की हो गई भैया, ये बात हो गई अपनी काय की, ये अपनी बात हो गई श्रेणी आरोहण की। अब चौथे गुण स्थान में आते हैं भैया अपन। चौथे गुण स्थान में जो जीव उपशम सम्यक दर्शन को प्रथम बार प्राप्त करता है उसकी क्या स्थिति भैया? वह भी देखो बहुत अच्छे सुनो, वह जो चौथे गुण स्थान में जो जीव आत्म अनुभव, आप भेद ज्ञान की बात कर रहे हो, निर्विकल्प एक समय की निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा जो जीव कर्मों की प्रकृतियों को उपशमित करता है, तो उसके भी मिथ्यात आदि सारी प्रकृतियां नीचे दब जाती हैं, अनंतनबंदी आदि प्रकृतियां दब जाती हैं, और अंतर मुहूर्त बात सब तो उदय में नहीं आती, लेकिन उनमें से तीनों चारों में, तीन तीन मिथ्यात और एक अनंतनबंदी, इन चारों में से किसी एक का उदय नियम से आता ही है भाई। जब तक सहोपम दर्शन सम्यक दर्शन में नहीं बदलेगा तो सहोपम सम्यक दर्शन में बदलना होगा, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा। दूसरे गुण स्थान में जाना होगा सम्यक मिथ्यात क्या जाएगा, पहले में जाना होगा मिथ्यात क्या जाएगा, दूसरे में जाना होगा तो क्या होगा भैया, अनंतनबंदी का उदय आ जाएगा। तो जो दबाया है उसमें से जितना दब गया उसमें से कुछ ना कुछ तो उदय में आएगा भी, बस इतना लाभ भर हो जाता है कि वो अनादि मिथ्या दृष्टि से यदि पहले गुण स्थान में भी जाएगा सारी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, उसकी प्रकृतियों का खंडन हो जाएगा, और पूरी प्रकृति, पूरा मिथ्या, पूरा अनंतर मंदिर का उदय कभी नहीं आएगा भाई, एक ही प्रकृति का उदय आएगा भगवान जी, बस मिथ्या और अनंत मंदिर का आ जाएगा, दो उस समय रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, जो आप दबाओगे वो तो उदय में आएगा, क्योंकि आपने दबाया छह नहीं किया, और दबाने वाली चीज तो हमेशा आती है। इसलिए कहते हैं मन से खुले खिले होकर चलो, क्योंकि मन को भी आप अंदर दबाते जाओगे, ठासते जाओगे, ठासते जाओगे, जब तक आपको भीतरागता नहीं आ रही, प्रचंड भीतरागता नहीं आ रही, तो आपका दबा हुआ मन आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो ला के देगा भाई, आपकी साधना में कहीं ना कहीं दबाव तो डालेगा, क्योंकि तो दबाव किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, कार्यकारी हो सकता है लेकिन फुल प्रूफ नहीं हो सकता। तो भैया अपन, अब आपने पहले अपने आपको आगम के हिसाब से समझा दिया भैया, क्योंकि तो आपने उपशम शब्द का उपयोग किया, तो उपशम शब्द का यदि आपने उपयोग किया है तो कर्णानुयोग की चर्चा करनी पड़ेगी, और कर्णानुयोग की चर्चा करनी पड़ेगी तो सिद्धांत को आपको सामने रखना पड़ेगा, और सिद्धांत ये कहेगा कि उपशम किया है तो कुछ भी कर लो आपको भैया उदय में तो आएंगी प्रकृतियाँ, क्षयोपशम किया है तो भैया प्रकृति उदय में तो चलेगी,
अच्छे किया है तो अपन आगे बात करेंगे कि भाई कुछ नहीं, खाली आपने आगम के शब्द का उपयोग किया इसलिए आगम से जवाब। अब बात चल रही साधना की, बात ये चल रही है कि भैया अभी साधक दशा में जीव है और इस साधक दशा में जीव को भैया नाना प्रकार के कर्मों का उदय आता है, राग का उदय भी आता है, मोह का उदय भी आता है, इच्छाएं भी होती हैं, वांछा भी होती है, कामनाएं भी होती हैं, नाना प्रकार के भैया कर्म आवरण के उदय आते हैं। और ये श्रावक अपने भेद ज्ञान के निर्णय से, तत्व ज्ञान के निर्णय से उन सबको दबा देता है। दबा देता है मतलब भैया वर्तमान में भैया राग का उदय आया तो इसने राग की भावना को अंदर दबा दिया, कैसे दबा दिया भैया भेद ज्ञान के बल पे कि मैं आत्मा हूँ और ये भाव राग भाव मेरा भाव नहीं। तो भैया अब आप ये बताओ कि जो राग का परिणमन था वर्तमान में, जो राग की धारा थी, वो राग कर्म का उदय तो अपना पूरा काम करके चला गया ना भैया, आपने दबा दिया ये आपको लग रहा है, आप उससे जुड़े नहीं तो आप उसमें घंटों नहीं पाए, लेकिन वो राग का जो उदय आया था वो राग का उदय क्या हुआ, वो उदय तो आ गया, जो राग कर्म का पूर्व में जो राग कर्म का उदय था वो राग कर्म का उदय तो आ गया भाई। आपने क्या किया, महातत्व का निर्णय करके आपने सोचा उसको दबा दिया, हाँ आपने दबाया नहीं, आप उस राग से जुड़े नहीं, आपने भेद ज्ञान कर लिया। लेकिन इसमें एक बात ये है, आपने भेद ज्ञान कर लिया, आपने भैया कहा ये राग बुरा नहीं है, ये राग बुरा है, मैं आत्मा हूँ ऐसा करके आपने भेद ज्ञान कर लिया, अभी आपका राग का उदय जो था वर्तमान में, जो राग कर्म का उदय था वो थोड़े आगे चला गया, लेकिन अभी आपका राग का संस्कार नहीं टूटा, राग का अनंत उदय आपके अंदर में पड़ा हुआ है और राग कर्म से आपको भिन्नता नहीं आई, अभी आपने राग भाव को पीटा है, बस एक समय की राग पर्याय के भाव को पीटा, एक समय के राग कर्म की अवस्था को पीटा, एक समय की राग अवस्था को पीटा मतलब एक समय के लिए जो राग का परिणाम आया था उस राग के परिणाम से आप जुड़े नहीं, आपने क्या किया, आपने भेद ज्ञान करके उस राग कर्म की जो प्रकृति थी उस राग कर्म की प्रकृति में जुड़ा नहीं किया, तो क्या हुआ, वो उदय में शीघ्र आया और उसका एक मिनट का काल था, वो एक मिनट में आगे चला गया, आपने उसमें दिमाग नहीं लगाया ज्यादा देर, भेद ज्ञान तक निर्णय किया तो आपका वो अशुभ राग परिणाम न होके, जैसा पुत्र के प्रति आया था, आपका वो अशुभ राग परिणाम न होके आपने उस राग कर्म की प्रकृति को उसमें ना जुड़कर शुभ राग में परिणमित कर लिया, कि क्या कैसे परिणमित कर लिया, आप उस अशुभ राग में परिणमित ना होके अब शुभ राग में परिणमित होने लगे, तत्व चिंतन शुभ राग है, राग की सत्ता बदल गई, क्योंकि कर्मों में शुभ अशुभ रूप परिणमित होने की शक्ति है, वही राग कर्म पाप रूप पापाचार रूप परिणमित ना होके वही वस्तु स्वभाव के सहकार रूप परिणमित हो गया। अब ये बात समझने के लिए आपको बहुत हाई क्लास की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12वीं की पढ़ाई नहीं है, सीधे BSc की पढ़ाई है भगवान। अब क्या किया आपने उसे, अब आपने उसे अशुभ रूप परिणमित ना होने के लिए, आपने उसे अशुभ रूप परिणमित ना होने के हुआ क्यों नहीं वो अशुभ रूप परिणमन भैया, क्योंकि आपकी तत्व की रुचि थी तो आपने उस राग की अवस्था को उस कर्म में शुभ रूप परिणमन होने की शक्ति को शुभ रूप परिणमन करा लिया आपने अपने बल पे, भेद ज्ञान के बल, तत्व चिंतन में रुचि लग गई और आपका समय शुभ भाव में चला गया, वो अशुभ भाव में नहीं जुड़ा। तो भाई अब क्या होगा, वो कर्म तो पलट गया, वो जो शुभ बांधा है, वो शुभ जो आपने बांधा है उस शुभ का उदय आएगा, अब आपको आपने चिंतन में समय निकाला है तो आपका शुभ में चला गया वो, लेकिन आपका राग करने का संस्कार टूट गया ऐसा नहीं, आपकी राग की मान्यता टूट गई ऐसा नहीं है, आप राग से हमेशा के लिए मुक्त हो गए ऐसा नहीं, अगले समय जो धारा आएगी वो धारा इससे 10 गुनी ज्यादा हो सकती है, और आप इस बार नहीं भाए आप अगली बार 10 गुने ज्यादा भे सकते हो। फिर बात इतनी सी है कि अभी आपने मान लो उस राग से भयभीत होकर उस राग को बदल दिया कि राग बुरा है भाई, इस राग में हमें नहीं जोड़ना, और आपने उसके लिए भेद ज्ञान का उपयोग किया भैया, बहुत अच्छी बात है, ये तो पुरुषार्थ जीव के अंदर चलता ही है भैया, ये पुरुषार्थ ना चले तो साधक किस काम का, इतना पुरुषार्थ तो जीव के अंदर चलता ही है कि राग देश के परिणामों को क्या बोलते हैं अपने भेद ज्ञान तत्व निर्णय के बल पे क्या करता है भैया, उनकी शक्ति को बलवत नहीं होने देता, अपन कहते ना कसायों की शक्ति को बल नहीं मारने देता, काय की शक्ति को बल नहीं मारने देता, कसायों की शक्ति अशुभ पाप आदि की परिणति को बल नहीं मारने देता, बुद्धिपूर्वक अशुभ पाप आदि का त्याग करके
और भेद ज्ञान तत्व करके अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। और यदि वर्तमान भूमिका से देखें तो शुभ आदि परिणामों में परिणमित होता है। अच्छी बात है भैया, ये तो श्रावक का वर्तमान पुरुषार्थ है, लेकिन 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 अभी भी हम आपको वो नहीं मानेंगे, क्या बोलते हैं, एकदम शुद्ध पुरुषार्थ क्यों नहीं मानेंगे भैया? क्योंकि हमें ये बदलने वाली जो अवस्था है ना, इससे जीव का संबंध ही नहीं है। हमें तो वो वाला प्रसाद बहुत शानदार लगता है कि ये जो ये हो गया परिणाम, इसके लिए मनाए नहीं है, लेकिन जीव के अंतर में इतना गाढ़ा स्वभाव का मैंपना, इतना गाढ़ा स्वभाव का मैंपना, इतना गाढ़ा स्वभाव का निश्चय कि ये जो शुभ रूप परिणमित हुआ ना भेद ज्ञान के बल से, या जो अशुभ रूप चल रही थी ना धारा, उसके बल पे उस समय भी उसके अंतर में मैं स्वभाव मात्र उन संस्कारों का, राग आदि संस्कारों का महत्व ही ना रह जाना, एकमात्र अपनी त्रिकाली ज्ञायक शक्ति का महत्व रह जाए और उन शुभ अशुभ परिणमन का महत्व ही ना रह जाए, इतना गाढ़ा श्रद्धा हो जीव का, या जीव को अपनी स्वसत्ता पे इतना गाढ़ा विश्वास हो, इतनी गाढ़ी आस्था हो अपनी वीतराग शक्ति पे, इतना गाढ़ा बहुमान हो अपनी वीतराग चतुष्टय में स्वभाव की शक्ति पे कि उसे इस अशुभ परिणमन का मैं करता ही नहीं हूं, ऐसा निर्णय लगेगा आपको, लेकिन ऐसा मैं पना बढ़ते उसे, देखो 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 मैं तो इससे भिन्न ही था, और ये जो परिणमन बदला गया ना, अशुभ की धारा को बदल दिया शुभ में, और भैया भेद ज्ञान कर लिया, अपन मोह में नहीं जुड़े, ये जुड़ान से को अपन रोक लिया, भगवान जी ये जुड़ान का जो रुकना हुआ है वो भेद ज्ञान के बल पे तो हुआ है, लेकिन भगवान आत्मा वो भेद ज्ञान में अभेद शक्ति का जोर कितना है ये नहीं पता आपको। और यदि आपको अभेद शक्ति का जोर होता ना, तो कल आपको देव आदि गतियों में इसका उदय आएगा या नहीं आएगा इसकी चिंता ही नहीं होती। अब आपका प्रश्न इसमें आपने को जोड़ दिया भैया, क्या उस भेद ज्ञान की शक्ति से जो मैंने हटाया है भैया, तो उसमें मुझे भैया वो राग आदि संस्कारों का देवगती में आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। क्यों आएगा भैया? इसलिए आएगा क्योंकि आपने क्या बोलते हैं भेद ज्ञान किया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो आपने भेद ज्ञान करके क्या किया है कि भेद ज्ञान करने के बाद अभी आपको कितना भेद ज्ञान होगा? श्रद्धा अपेक्षा होगा भैया, चारित्र अपेक्षा तो होना नहीं। तो भेद ज्ञान अपेक्षा से क्या होगा, आपने उस राग से भिन्नता का जो विचार किया है उससे आपको पुण्य आश्रव हुआ, और पुण्य आश्रव रूप जो परिणमन आपका देवगति में आएगा वो उसका फली तो आएगा। देवगति में आप जो भोगोगे इंद्रिय विषय सुख, वो उस भाव का फली तो भोगोगे भाई जो आपने किया था। हमने कहा ना आप चक्कर आएंगे आपको थोड़े से, आपको क्या कहते हैं, आप देवगति का जो भोग करोगे, महा जो विषय भोग भोगोगे, वो आपका भेद ज्ञान का परिणाम ही तो है। भेद ज्ञान का परिणाम मतलब भेद ज्ञान रूप जो विचार चले थे, जो शुभ परिणाम हुए थे उसका परिणाम। भेद ज्ञान से जो भिन्नता आई थी उसमें तो सिर्फ अभेद स्वभाव है, और जितना आपको स्वभाव की अभेदता है कि मैं इस परिणाम का करता ही नहीं हूं, वहां देवगति गया कौन? देवगति का विचार करने वाले नहीं है, और जो देवगति का विचार कर रहा है वो तो भोगेगा भाई, उसे तो भोगना पड़ेगा, उसे महा पुण्य उदय भोगना पड़ेंगे, और वो पुण्य उदय उसके वो प्रत निर्णय का ही फल है, उसने यहाँ नहीं भोगे भाई पाप, वहां जाके भोगेगा भाई। तो भगवान जी भोग तो नियम से उदय में आएंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता भैया। भैया आप तो सीधी सीधी बात बताओ, करना क्या था? करना ये है कि इन संस्कारों से एकत्र तोड़ना है अपने को, लेकिन अभी संस्कार बदला रहा है, अभी भेद ज्ञान के बल पे बदला रहा है, बहुत अच्छे है, इस भूमिका में इतना ही हो जाए बहुत बड़ी बात, नहीं तो जीव संस्कारों के बल पे संस्कारों को बदलता, लेकिन संस्कारों के बल से नहीं बदल रहा, भेद ज्ञान के बल से बदल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान आत्मा इसमें भी स्वभाव के श्रद्धान को और ज्यादा बलवत करो, मतलब मैं शुद्ध चैतन्य में परमात्मा हूं, इस शक्ति की मुख्यता लेके आ, ये परिणमन बदला रहा है, इस परिणमन पे मेहनत मत दो भगवान, ये राग का परिणमन आया अपन ने उसे हटा दिया, अच्छी बात है, और ज्ञानी की ज्ञान धारा से ऐसा होता ही है, वासो में नहीं ठहरता, लेकिन भगवान जी उसका अपनत्व तो अपने स्वभाव में बना रहा है भैया। अब देवगति जाएंगे भैया, इन भोग उदय आएगा तो क्या आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन महा भी मेरे अंतर में मेरा स्वभाव का अहम बलवत बना रहा है, जो अपन ने यहाँ पोषण किया भैया,
कि मैं वीतराग तत्व हूँ, ये भेद ज्ञान की शक्ति महा भी ना छूटे, तो उनका उदय आएगा और महा भी भिन्नता बरतेगी भी। ये कब तक होगा भैया? जब तक आपको साधु दशा प्रचंड वीतरागता भावलिंग पर उत्पन्न नहीं होता, तब तक आपको आप अपने वीतराग स्वभाव के अवलंबन से, जब तक आप इन सब परिणामों को क्षय नहीं कर देते, छायिक भाव से इन कर्मों को क्षय नहीं कर देते, तब तक भैया शुभ अशुभ परिणाम जो अपन कर रहे हैं उनका फल तो अपने जीवन में आएगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आएगा, लेकिन भैया जितने कर्म उदय में आ रहे हैं और जितने उदय में आके खिर जा रहे हैं, उसमें अनंत जुड़ान ना होने से अनंत कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा भाई। मिथ्या दृष्टि जैसे अनंत संसार का आश्रय नहीं होगा, दुर्गतियों का आश्रय नहीं होगा भैया, सम्यक सहित हो ना, इसलिए दुर्गतियों का आश्रय नहीं होगा भैया। मिथ्या दृष्टि जैसे अनंत संसार का आश्रय नहीं होगा, आश्रय तो होगा लेकिन वो आश्रय जो भी जो आश्रय होगा वो भैया सब आपके हित में चला जाएगा, क्योंकि शुभ भाव सहित होगा ना भेद ज्ञान की शक्ति से, तो वो देव आदि गतियों का जो आश्रय होगा भी तो वो आपके लिए क्या बोलते हैं कल्याण में निमित्त बनेगा भैया, बाहर की व्यवस्थाएं जुटाएगा। लेकिन लेकिन भगवान जी अपना अभ्यास कायगा करना है, अपने को अभ्यास 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 अपने को करना है इन संस्कारों से पूर्णतः भिन्न होने का। कैसे होगा भैया वो भिन्न पूर्णतः भिन्न होने की अभ्यास के लिए क्या करें? भगवान आत्मा दिन रात उसी के लिए तो कह रहे हैं अपन, ये भगवान आत्मा कि अपने स्वभाव का प्रगाढ़ सिद्धांत बढ़ाओ भगवान जी, होने वाले परिणमन में क्या हो रहा है इससे भी दृष्टि हटाने का अभ्यास करो। अभ्यास में तो एक ज्ञायक तत्व की रुचि को ले क्या भगवान जी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अपन ने विचार कर लिया, विचार तो ऐसे करना पड़ेंगे भैया, अपन ने भाव भी ऐसे बनाने पड़ेंगे, भेद ज्ञान का अभ्यास भी ऐसे करना पड़ेगा, जिज्ञासाएं भी ऐसी जगानी पड़ेंगी, विचार भी ऐसे होने रहेंगे भैया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी ऐसे सहज भाव उठते हैं। लेकिन भगवान जी ये सब भाव उठ रहा है, अपन ये सब पूछ भी रहे हैं समझ भी रहे हैं, लेकिन ये मात्र एक परिणमन रह जाए बस कि भाई ये सब होने वाला परिणमन हो रहा है और मैं अभी भी इस सबसे भिन्न हूँ भगवान जी बस, क्योंकि काम तो स्वभाव की अपनत्व की शक्ति आएगी बस, और कुछ काम नहीं आएगा। काम तो स्वभाव की स्वीकारता ही आएगी भाई, और हम ये क्या कह रहे थे भैया जो शुभ भाव होंगे जो शुभ आश्रव होगा वो शुभ आश्रव का उदय भी आएगा भाई, और शुभ आश्रव से आपको इंद्रिय विषय भोगों की निराकुलता मिलेगी भाई, बस वहाँ आपका भेद ज्ञान तो नष्ट नहीं हो रहा। यदि यहाँ आपका भेद ज्ञान कमजोर है ना, यहाँ आपके स्वभाव की पकड़ कमजोर है ना, तो महा जाके यदि यहाँ सम्यक छूट गया अपने को, यदि यहाँ सम्यक छूट गया तो महा जाके जीव भोगों में लिप्त होके दुर्गति भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। महा जाके जीव भोगों में लिप्त होके दुर्गति भी चला जाएगा भैया, नर्क भी चला जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अन्य गतियों में भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भैया? क्योंकि भगवान जी सम्यक को यदि छोड़ दिया, भेद ज्ञान की शक्ति यदि छूट गई, तो फिर भोगों में एकत्र होने से कोई नहीं रोक सकता, व्यसनों में एकत्र होने से कोई नहीं रोक सकता, पापाचार में एकत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या कहना चाह रहे हो आप कि मूल है भेद ज्ञान, मूल है भेद ज्ञान, और आपने भेद ज्ञान पूर्वक ही छोड़ा है, तो भगवान जी आप अपने भेद ज्ञान पे ही डटे रहो, आप बाकी सब चिंताएं छोड़ दो भाई, और भेद ज्ञान पे डटे रहो और भेद ज्ञान से भी ऊपर जाओ। भेद ज्ञान तब होगा जब आपको एकमात्र स्वभाव प्रिय होगा भाई, क्योंकि भैया भेद ज्ञान करना थोड़ी पड़ता, हमने कितने बार बताया, सम्यक दृष्टि जीव को तत्व का श्रद्धान होने के कारण से भेद ज्ञान होता है, अपने आप चलता है। कासवे की चर्चा याद करो अच्छे से जरा, कि ज्ञान में यदि तत्व प्रमाण हो तो श्रद्धान अपने आप ही होता ही है, और ज्ञान में यदि सत्य का प्रमाण हो श्रद्धान हो तो ज्ञान सम्यक होता ही है, करना थोड़ी पड़ती है दोनों का, ये तो होते ही हैं। कब होते हैं? जब आपकी रुचि उस ओर की हो, जब दोनों काम होते हैं करने नहीं पड़ते। अब ऐसा मानो कि कोई मेरे परिणमन को देख रहा है, मैं तो अब मैं अपनी कहूँ, मैं तो अशुभ भाव रूप परिणमन कर रहा हूँ भाई, और आप मेरे परिणमन को देख रहे हो कि भैया देखो ये तो भैया तो अशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा है, अशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा है, इन्हें तो अशुभ की रुचि लगी हुई है, तो अब आप
जब मुझे बाहर से देखोगे, बाहर की अवस्था से देखोगे, तो आपको तो मैं अशुभ में ही परिणमित होता हुआ दिखाई दूंगा। और कह दो कि भैया इन्हें तो अभी भेद ज्ञान में नहीं हो रहा, हाँ भैया हमें तो भेद ज्ञान में नहीं हो रहा, हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि अशुभ बुरा है भाई, ठीक है नहीं लग रहा, तो फिर क्या हो रहा है भैया? ऐसे जीव को क्या कहोगे आप? ऐसे जीव को आप कहोगे मिथ्या दृष्टि, पापाचारी है, पापों में लगा हुआ, बुद्धिपूर्वक पाप में पड़ना मन हो रहा है। लेकिन भगवान जी उस जीव के अंतर में यदि अंतर में मैंपने की भासना हो रही, देखो देखो ये परिणमन मेरा नहीं है और ये सारा परिणमन उससे भिन्न चल रहा, पाप रूप अवस्था भी, भगवान आत्मा वो जीव जो आपको पापों से परिणमन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी ये जो मैंपने की भासना है ना, स्वभाव के मैंपने की भासना अभिप्राय है ना, जो उसका सत्य का, वो सत्य का अभिप्राय उसे उन सब विषयों से निकाल के ले आएगा, सबसे निकाल लाएगा भगवान, सबसे। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान जी कि पापों से भयभीत ना होके पापों को त्याग दो। कैसे त्याग दे भैया? स्वभाव को ग्रहण करके त्याग दो बस। और जब स्वभाव को ग्रहण करके आप पापों को त्यागोगे तो अपने आप ही आपके अंदर शुभ परिणाम अपने आप ही होंगे भाई, ऑटोमेटिकली होंगे। और देखो ना, किसी के संस्कार मंद है भैया, तो वो देखो किसी के संस्कार मंद है ना, पाप में से कसाय के संस्कार है, किसी के मंद है ना भैया, वैसे तो इस पंचम काल में मंद है नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पाप कर ही रहा है, किसी पाप करने का तरीका बदल रहा है बस, ये कोई चौके में कर रहा है, कोई दुकान पे कर रहा है, कोई बाहर चौपाटी बैठ के कर रहा है, सबके पाप करने के तरीके अलग अलग, पाप तो हो ही रहा है, संभ्रम समारम आराम के अनुमोदना मन वचन का है, इनसे जीव आश्रव तो कर ही रहा है, अशुभ आश्रव तो कर ही रहा है। लेकिन यदि कोई बिरला जीव इस अशुभ आश्रव से बचा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, या दो कारण हो सकते हैं, एक तो तत्व का सच्चा श्रद्धानी हो सकता है वो जीव, क्यों? क्योंकि एक तो तत्व का सच्चा श्रद्धानी जीव जिसने पूर्व में इन अब्रह्म आदि भावों को, कसाय आदि भावों को नहीं भोगा है, जिसके संस्कार में भी अभी मंद कसाय का उदय है, पाप रूप प्रवृत्ति का उदय नहीं है, और अपने स्वभाव की सूरत है इस बल पे भैया, जो उसने वीतरागता को अंश रूप में ग्रहण कर लिया है, या तो वो हो सकता है भैया, और या फिर शुभ का पक्ष करने वाला हो सकता है, जिसके अंदर में शुभ क्रियाओं का, शुभ संस्कारों का पक्ष हो और शुभ में रथ हो, शुभ का रस ले रहा हो, तो वो जीव हो सकता है भैया। अब वो सम्यक दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि कुछ भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि होगा तो उसका आनंद संसार का कारण है, और सम्यक दृष्टि होगा, शुभ का रसिया होगा, तो भैया उसे आगे चल के शुभ की पकड़ तोड़नी पड़ेगी, तो सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी। स्वभाव की रमणता से वीतरागता को उपलब्ध करने के लिए, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए उसे शुभ का सहकार भी तोड़ना पड़ेगा। मार्ग तो सबका यही है भैया, भैया इस भूमिका में हमें यदि पाप आदि परिणाम का उदय आए तो हमें क्या करना चाहिए? उनको अपने भेद ज्ञान तत्निर्णय की शक्ति से उखाड़ देना चाहिए, उनकी सत्ता को मिटा देना चाहिए। लेकिन उनकी सत्ता को मिटाते ये याद रखना चाहिए कि हम कहीं उनमें दबे तो नहीं, उनका महत्व तो नहीं है भैया, महत्व अपने स्वभाव का आना चाहिए बस, इतनी सी बात है। भय नहीं होना चाहिए उनमें, भय नहीं होना चाहिए भैया। ऐसा तो कहा जाता है ना, पाप करते समय भय लगना चाहिए, ये तो भय होना चाहिए ना, पाप करें तो हम नरक चले जाएंगे। हाँ देखो, पापों का भय तो होना चाहिए, पाप करने का भय कि भैया हम पाप करेंगे तो नरक चले जाएंगे। लेकिन सुनो ना भैया, ये बात तो बिल्कुल सच अच्छी लगी आपकी कि पापों का भय तो होना चाहिए। यदि कोई भी जीव पापों में प्रवृत्ति कर रहा है तो उसे ये तो भय होने चाहिए कि मैं पाप रूप प्रवृत्ति करूँगा तो मेरी दुर्गति होगी, अपयश कीर्ति होगी, अज्ञानता के कारण से भैया काय उपेक्षा का कारण बनेगा, इतना भय तो उसे होना चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा, एक और बात इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? पापों का भय तो होना चाहिए, लेकिन पापों का भय तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पापों का भय रख के पुण्य को अपना स्वरूप मान लो, पुण्य में आचरण करने लगो, जे सर्वत्ति अनिष्टकारी है। पापों का भय तो होना चाहिए, लेकिन पापों से मुक्त होने के लिए आपको ममल स्वभाव का आश्रय होना चाहिए भाई, तो आपका पापों से भयभीत होना सार्थक है। पापों से छूटने के लिए शुभ का आश्रय ले यदि कोई अज्ञानी जीव, उसके लिए तो ठीक है भैया, अज्ञानी है, शुभ में आएगा, तत्व चिंतन करेगा और भैया अपना कल्याण का मार्ग बनाएगा। लेकिन पापों से छूटने के लिए यदि कोई आत्मार्थी जीव, जिसकी पहले कसाय मंद है,
जो पहले ही तत्व चिंतन आदि कर रहा है, यदि वो भी सुख को ही उपाधि मान ले और अपने ममल स्वभाव को ना जाने, तो भगवान जी पूरा मार्ग ही बदला जाए। इसलिए मूल है, मूल कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि भगवान आत्मा आप कुछ भी करो, आपके मूल में मैं आद्यम अनादि सिद्धम, आपकी त्रिकाली सत्ता, आपकी अंतर में जो वीतराग चेतन शक्ति है उसका ज्वर अधिक होना चाहिए, बस अपने स्वभाव का बहुमान अधिक होना चाहिए, अपने ज्ञायक तत्व का मैं बना शोर अधिक होना चाहिए। भैया आपकी साधना में यदि किसी का महत्व है तो वो स्वभाव की व्यक्तता का महत्व है भैया, बस आपके भेद ज्ञान की शक्ति का महत्व है, आपके तत्व निर्णय की शक्ति का महत्व है, आपके वस्तु स्वरूप के विचार का महत्व है, सब चीजों का महत्व है स्वभाव की बलवत्ता से, स्वभाव की स्वीकारता से। और यदि आपको स्वभाव की स्वीकारता मजबूत है, आप कर्मों से भयभीत नहीं होते, तो फिर जो हो रहा है वो सब सही। भय पापों का होगा कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव का बल मजबूत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्वभाव की मजबूती कर लो, उसके बाद आप तो नर्क में जाकर रहो शांति से, कोई दिक्कत नहीं। नर्कों में भी शांति, बहुत शांति। हाँ तो स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान कर लो, उसके बाद आपको जहाँ जाके रहना वहाँ रहो, नरकों में रहो, स्वर्गों में रहो, त्रियंज गति में रहो, आपको जहाँ अच्छा लगे चारों गतियों में आप वहाँ जाके रहो, लेकिन एक स्वभाव की दृढ़ श्रद्धा कर लो, उसके बाद जहाँ जाके रहना वहाँ रहो। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बाल भी बाका नहीं होगा। और जीव आत्मा एक स्वभाव का बल ना रहे, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर लो, आपका सब सब भैया सब पर्याय की अवस्था में परिवर्तन है, तत्व का ज्वर नहीं है, तत्व का ज्वर नहीं है। भगवान जी जब तक तत्व का ज्वर नहीं है ना, जब तक अभिप्राय, हम अभिप्राय की चर्चा रोज ही करना पड़ करते ही हैं और रोज ही विषय निकलता है, जब तक आपके अभिप्राय में निर्मलता नहीं है ना भगवान जी, आपके अभिप्राय में वो निश्चय शब्द नहीं है ना, तो आपके अभिप्राय में जब तक अपना लक्ष्य ध्रुवता का लक्ष्य नहीं है, जब तक कि सारी क्रियाएं जड़ चेतन में हो रही हैं। अब भेद ज्ञान वाले जीव को तो अभिप्राय में तत्व है, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो मार मोक्ष का ही है, लेकिन उसे भी भैया आगामी भोगों के प्रति रुझान तोड़ना है तो सब भाव को भी अपने से भिन्न करना पड़ेगा, निश्चिंता छोड़नी पड़ेगी देव गति की भी। बस तो वो चिंता उसको इसलिए नहीं है, उसको चिंता इसलिए कि ये कर्म आगे बन तो नहीं रहा, बढ़ तो नहीं रहा, तो भैया बढ़ने दो, इस भूमिका में चारित्र अपेक्षा से कर्म तो बढ़ेंगे, जब तक वीतरागता नहीं उत्पन्न होगी तब तक वो तो बढ़ेंगे ही, और बढ़ेंगे तो उनको भोगना भी पड़ेगा, तो भैया हम क्या करें, और श्रेष्ठ वीतरागता की भावना भाव कि शीघ्र वीतरागता अंदर से प्रकट हो और ये कर्म आए ना, ये कर्म अपने अपनी वीतरागता के बल पे क्षय हो जाए, इसकी चिंता करो, कर्म भोगना पड़ेंगे इसकी चिंता मत करो। अब वहाँ जाके भैया यहाँ तो हमने संयम से रहा है, देव गति में असंयम ही हो जाएंगे, कितने भोग करने पड़ेंगे, कितनी घबराहट हो रही भैया भगवान जी, तो भैया वीतरागता को, प्रचंड वीतरागता को प्रकट करो ना, श्रवण श्रवण पने की ऐसी भावना को प्रकट करो कि पांचवें स्वर्ग में जन्म हो जाए, तुम भोग भोगों में जन्म ही ना लो, क्या नौ विग्रहवक में तो हो नहीं सकता भैया, यहाँ से क्यों नहीं हो सकता, इतनी सेना नहीं कि तुम द्रवलिंगी मुनि होके मारो, ये तुम ऊपर नौ विग्रहवक में चले जाओ, सम्यक दर्शन के सहित तुम्हारी ऐसी साधना भी नहीं है भैया, और पांचवें स्वर्ग में जन्म लेने के लिए श्रवण की होने की वीतरागता की गहरी भावना चाहिए, तो भैया क्या कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भगवान आत्मा अपने को, अपनी अंतर आत्मा में अपने को, अपने वीतराग स्वभाव की महिमा बढ़ती जाए, तो भगवान आत्मा अब जो होना आगे तो वही होगा। इसलिए भैया अपन भोगों की चिंता ना करके और संयोग की चिंता ना करके वर्तमान में खरे उतरें अपनी तत्व की परीक्षा पे, भाव से भयभीत पना ना रहे भैया, क्रियाओं में भयभीत पना ना रहे, मन के विचारों में भयभीत पना ना रहे, और अपनी निज शक्ति का बल बढ़ता जाए। देखो हम बता ही सकते हैं, हम आपको सिर्फ सुना ही सकते हैं, अब आपको अनुभव क्या हो रहा है, आप उसे समझ कैसे रहे हो, ये आपके ऊपर है भैया, हम तो आपको समझा ही सकते हैं भैया, हमने आपको आगम से भी बहुत अच्छे से बता दिया, आगम क्या कहेगा, कर्णानि योग की शक्ति क्या कहेगी, कर्णानि योग का सिद्धांत क्या कहेगा, जो उपशम किया है वो दे में आया,
उसे कोई नहीं हटा सकता। छह के बिना आप अपनी सत्ता से कर्मों को नहीं हटा सकते, और अंतर मुहूर्त के अंदर ही आएगा, क्योंकि सम का कल अंतर मुहूर्त। आगम सम ने आपको बता दिया, अब बची बात अध्यात्म साधना से, उससे भी हमने आपको बता दिया भैया कि जिन जिन भावों को अभी देखो, अभी अब वर्तमान में देखो, जिन भावों से अपन डर के भैया, अरे देखो राग भाव बुरा, राग भाव बुरा, राग भाव से डर के, अरे भेद में आत्मा में आत्मा, ऐसे डर डर के अपन ने यदि भेद राग से डर डर के भेद ज्ञान किया ना भैया, राग बुरा ये क्रिया बुरी है, ऐसे डर डर के अपन ने भेद ज्ञान किया ना भैया, तो ये डर जो आपका है ना, वो आपकी स्वभाव की शक्ति का जो मैं बना है वो कभी नहीं होने दे, जो जितना प्रगाढ़ मैं बना चाहिए। क्यों? क्योंकि भयभीत होके करा है, कर्मों के बंध के डर के मार के उससे करा है। लेकिन यदि यही भाव यही शक्ति मैं स्वभाव हूँ, और ये राग आदि विकारी भाव मेरा परिणमन ही नहीं है, यदि इनको फुकलेट समझ के उखाड़ के फेंका ना भैया, तो फिर ये अपने ये मन में इनकी पकड़ नहीं रहेगी भैया। और जब मन में इनकी पकड़ नहीं रहेगी ना, तो फिर निडर होकर आगे बढ़ने का मार्ग है। ये मन की बात हो गई। अभी सबसे पहले काय की बात कर रहे थे, सबसे पहले कर्म पे कुंडली की बात करी थी, फिर सेकंड नंबर में काय की बात करी थी, सेकंड नंबर में शुभ अशुभ भाव से क्या बंद होगा इसकी बात करी थी, थर्ड नंबर में इस प्रश्न का तीसरा जवाब मन। अब भैया देखो, हम तीन तरीके से जवाब दे रहे हैं, अब आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं नहीं मालूम हमें, लेकिन सुन लो आप, अब मन की अपेक्षा से जवाब दे रहे हैं। तीसरा जवाब क्या भगवान जी, जो जीव मन से भयभीत होके मन को दबाता जाता है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये नहीं करना, सही क्या भैया, वो हमने पढ़ा कि भैया ये करने से इतने दोष लगते हैं, ये करने से इतने दोष लगते हैं, तब डरते जाओ और अपने मन को महीं की महीं दबाते जाओ, मन को डंप करते जाओ, और मन को डंप करते करते क्या करते जाओ भैया, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करो, या फिर पुण्य क्रियाओं का निर्णय करते जाओ, शुभ क्रियाएं करते जाओ भैया। तो ये मन को भय, ये मन की स्थिति है भाई, ये मन है स्थिति है, और इस मन को आप जितना डंप करोगे, फिर ये मन बाद में उतना आके पेरेगा। कब पेरेगा ये मन आपको? आके आगे आपकी साधना के मार्ग में आएगा भैया, क्योंकि आपने इसे दबाया, आपको बीतराक्ता की शक्ति का जन्म नहीं हुआ, आपको चैतन्य आत्मा की शक्ति का जन्म नहीं हुआ। देखो अपन कहते हैं, देखो उदाहरण देते हैं आपको, अपन मन का वैराग कहते हैं अपन। यदि कोई जीव मन के द्वारा वैरागी होता है, मन के द्वारा विरक्त होता है भैया, तो वर्तमान में उसके मन में अशुभ आदि परिणाम ना होने से, या भयभीत होने के कारण से, वो अपने मन से अशुभ आदि परिणामों को भगा देता है। लेकिन भगवान आत्मा, ये मन का जो वैराग होता है, इसमें ज्ञान की शक्ति कम होती, मन के स्तर से जीव ज्यादा चलता, तो ज्ञान की शक्ति कम होने के कारण से, मन का स्तर ज्यादा होने के कारण से, जब बाद में जब वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, जब वो और आगे की वेशभूषा धारण करना चाहता है, जैसे पितिमाया धारण करना चाहेगा, अणुव्रत धारण करना चाहेगा, जब वो इन चीज़ों को शुभ के बल पर धारण करना चाहेगा ना, लेकिन अंतर में उतनी मन में उतनी विशुद्धि नहीं होगी, परिणामों में उतनी विशुद्धि नहीं होगी भैया, स्वभाव का इतना सिद्धांत जोड़ नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? मन में जो उसने दबाया है अपने मन को, जो मन में अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, भाव को, अपेक्षाओं को जो दबाया है, फिर वो भाव, वो इच्छाएं, वो अपेक्षा उसके सामने आती हैं। जैसे जैसे उदाहरण, आपको गुलाब जामुन बहुत प्रिय था बचपन से, आप बचपन से ही गुलाब जामुन नहीं खाना, गुलाब जामुन खाने से आसक्ति बढ़ती है। आपने भैया 10 साल तक गुलाब जामुन के नाम पे परहेज करा, अब आप 10 साल बाद आपने संयम धारण करा, आपने पहली प्रतिमा ली, दूसरी प्रतिमा ली, आप संयम लेके निकले, और सामने वाले ने भोजन में गुलाब जामुन बना के सामने रख दिया, अब आपकी गुलाब जामुन की जो आसक्ति थी ना, अब जो मन में दबा हुआ गुलाब जामुन के प्रति परिणाम था आपका, वो झंझना के पूरा बेग से बाहर निकलेगा भगवान। कब निकलेगा? जब आप संयम के मार्ग में आगे बढ़ गए, तब गुलाब जामुन की आसक्ति आपको पैर डालेगी, फिर आप दबाओ उससे, लड़ो उस आसक्ति से, फिर आप फाइट करोगे आपस। क्यों करना पड़ा फाइट भैया हमें? क्यों हुई उलझन हमें? क्योंकि आपने उस आसक्ति को छोड़ा कहाँ था, आप तो उसे अंदर में दबा के साथ लेके चल रहे थे ना, आप तो उस मन की आसक्ति को जीवन भर 10 साल तक अपने साथ ढोके लाए हो ना। एक उदाहरण नहीं बोलते अपन आगम में कि काणी स्त्री का मोह था भैया, मुनि राज से प्रभावित होके
ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया, दीक्षा भी ले ली, और भैया सारे भैया साधना भी करने लगे, तप भी करने लगे, सहन भी करने लगे, लेकिन वो विकल्प बढ़ता ही जा रहा था, काणी स्त्री का मोह बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। देखा 3-4 साल हो गए कि ना स्त्री का मोह ही नहीं गया। तो फिर युक्ति से मुनि ने जब अपनी स्त्रियों को रूप वाले स्त्रियों का इनमें से ले जा, तब वो मोह टूटा भगवान जी, नहीं तो 4 साल से अंदर पड़े पल ही रहा था। वो जब बोध आया, होश आया, जब गया वो अंदर से। ऐसे भगवान आत्मा जीव क्या करता है, अपने मन में अपनी कोई टीस जमा कर चलता है, वो दबापन चलता ही रहता उसके साथ, चलते ही रहता, चलते ही रहता, चलते ही रहता, लेकिन जब उसे सत्य का बोध आता है कि देखो भैया क्या है सत्य, तब उसके मन से निकलती ये चीज़ें। इसलिए भैया, इसलिए हमेशा ही बोध को साथ लेके चलो, तत्व को साथ लेके चलो भाई। अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा डोज दे दिया आप लोगों को, आपको जितना समझ में आया भैया उतना आप समझें, और धीरे धीरे करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करें भैया, क्योंकि मार्ग वितरकता का है और मार्ग चलता है तत्व के श्रद्धांत से, ठीक है भैया। और इसके लिए चाहिए आपको आत्मा की जागृति, आपको इसके लिए आत्मा की जागृति चाहिए, आपको स्वयं का तत्व का बल चाहिए, और स्वयं के तत्व के बल के आधार से जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको कल्याण का मार्ग मिलता है। तत्व का आधार लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए भैया अपन सब चीज़ें देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, एक स्वभाव के बहुमान को बलवत करें, मन के दबाव में ना बहें, कर्म प्रकृतियों को उपशम करें, तो भैया उदय में तो आएंगी ही, इसलिए उपशमित करते रहें, उदय में आने का डर छोड़ दें, क्योंकि जितनी देर के लिए स्वरूप का आनंद आएगा उस वो अलौकिक समय है भैया, ठीक है। अपने बल को उपशम भाव को जागृत करते रहें भैया, और भेद ज्ञान की शक्ति से राग आदि विकार से जुड़ान तोड़ें, और उसमें भी मुख्य अपने वितराग स्वभाव को रखें भैया। क्यों? क्योंकि जुड़ने वाला, जुड़ान तोड़ने वाला सब उपयोग का परिणाम है, सब संयोगों की धारा भैया, लेकिन मैं तो शुद्ध ही हूँ इस बात का बोध बढ़ता जाए, मैं तो ज्ञायक ही हूँ इस तथ्य का निश्चय बढ़ता जाए, इस तथ्य का निश्चय ही स्वभाव की साधना है। भैया हमने आपको 2-3 बातें बताई हैं, अब इसमें से जिसको जो समझ में नहीं आया तीनों आंसर में से आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न वैशाली दीदी का था, शायद उन्हें भी समझ में आया नहीं आया, पता भगवान जी। चलो मतलब किसी को समझ में नहीं आया, आज की सभा को अपन यही बस अनंत काल से जिस स्वभाव का जीव को महत्व नहीं हुआ, उस स्वभाव को महत्व करना है। और भाई बाकी लोग सोच रहे होंगे भाई आज की चर्चा में समझ में नहीं आई, देखो भैया बाकी लोगों से कह रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आई उनसे कह रहे हैं कि भगवान जी देखो प्रश्न ऐसा था कि उसका जवाब ऐसे ही हो सकता था। आप लोगों को यदि चर्चा से कुछ ग्रहण करना है तो आपको यदि कुछ ग्रहण करना है तो इतना ही ग्रहण करो आप, क्या कि मैं सुबह आऊँ बस, क्योंकि यदि आप इस सत्य को ग्रहण करने में सक्षम हो गए ना तो ये चर्चा जो आज आपने सुनी है वो आपके जीवन का प्रयोग होगी। अपने जीवन में प्रयोग करोगे भगवान आत्मा, हम आपसे रोज चर्चा कर रहे हैं, 3-4 दिन से हम बिल्कुल यही चर्चा कर रहे हैं बस। जब वो चर्चा आपके जीवन का प्रयोग होगी, जब मुक्ति का मार्ग बनेगा, भगवान जी प्रवचन सुनने से कोई मोक्ष नहीं जाता, और यहाँ प्रैक्टिकल करो दिन रात, कर्मों के सामने युद्ध करो दिन रात, प्रैक्टिकल करो। और ये जो चर्चा सुनते हो ना सुबह दोपहर शाम, ये मात्र प्रैक्टिकल की चर्चा होती है, ये प्रवचन कर्ता वाले करता नहीं है कि आप बहुत बड़े वक्ता को सुन रहे हो, आपने बहुत बड़े प्रवचन कर्ता को बुलाया है, जब वो प्रवचन नहीं है, बड़े बड़े नामधारियों के प्रवचन नहीं है, ये अपनी साधना के प्रवचन है भगवान जी। यदि साधना करना है तो साधक की उपयोग की परिणति ऐसी होती है, ये प्रमाण है, अपना मापतोल है अपना अंदर का,
कि अपनी परिणति कैसी होनी चाहिए। और जीवात्मा, यदि आपका ऐसी परिणति से, अपनी अंतर भावनाओं से इन इन चर्चाओं का मिलान नहीं होता, इसका मतलब आप सुन सुन रहे हो, आप गुण कुछ भी नहीं रहे। भैया ये मार्ग गुनने का है, अभी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो इतना मात्र समझ लो कि मैं स्वभाव मात्र हूँ। इस बल से, इस सत्य को जानने से आपको जितनी बातें कही हैं वो आपको समझ में भी आ जाएंगी और आपके जीवन में घट भी जाएंगी। यही सार है भैया। अब हम किसी को म्यूट खुलवाने वाले हैं, कहाँ हैं? हाँ शालिनी जी, क्या समझ में आया बताओ तो जरा। आप खुद होस्ट हैं और अपना म्यूट खोल सकते हैं, इसलिए आप एक ऑप्शन दिखाई देता है मुझे, और आप कोई प्रश्न भी नहीं करते इसलिए। मोहे की धारा का क्या होगा फिर? चलो भैया जी, इतने श्रद्धान हो जाए तो जय जयकार है। इतनी सी बात है भगवान जी, अपना जो पर्याय की परिणमन की धारा का जो संयोग है उससे अपने को कोई भी संबंध ना रहे। आप पूछो, बोलोगे भैया इनसे क्यों कहा, भैया इनके पिता, इनके जो पुत्र जी हैं वो गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, अब इनकी मोहे की धारा चल रही है इसलिए इन्हीं को अपन ने टारगेट लिया। तो भैया ये क्या है कि जीव की अपनी स्वयं की व्यवस्था है, जीव का स्वयं का परिणमन है। और जब तक जीव अपने आप में स्वयं ऐसा निर्णय नहीं करेगा, स्वयं प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में ये बात लागू नहीं होगी। भैया अपने जीवन में सत्य को लागू करना है तो स्वभाव का मैं पाना चाहिए, और स्वभाव से अपनत्व होने के बाद ही इन कर्म कसायों का नाश कर सकते हो भगवान आत्मा। कब समझ में आएगी छोटी सी बात? छोटी सी बात कब समझ में आएगी? भैया पहले आप तो समझ जाओ, हम ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं भगवान जी। ये छोटी सी बात कब समझ में आएगी और कब इन अशुभ अशुभ भाव के परिणमन से भाव उछटेगा? भैया जब तक भाव नहीं उछट रहा है, अब तक संसार खत्म नहीं हो रहा। तो भैया आज के लिए वैशाली दीदी का म्यूट खुला है, वैशाली दीदी कुछ बोल रहा? यदि जीव का, तो म्यूट कर लो आप। यदि जीव का परिणमन अपने स्वभाव, जीव को यदि अपने स्वभाव का भैया महत्व है, अपने स्वभाव का बहुमान है, तो इसका कल्याण होगा भैया। इस विषय में यदि किसी अन्य का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो एक प्रश्न था उसका जवाब हो चुका है। अब आपका यदि और कोई प्रश्न हो इसमें, किसी के मन में कुछ उठा हो, किसी को कुछ सूट नहीं हुआ हो, तो जल्दी से पूछ सकता है। चलो भैया ओके, अब अपन इस सभा को यहीं विराम दे रहे हैं, क्योंकि सबको ये बात समझ में आई होगी और सभी ऐसे भेद ज्ञान तत्व निर्णय को आधार तो बना है, लेकिन भेद ज्ञान तत्व निर्णय का आधार बनाने के लिए स्वभाव के मेपने की भूमि को मजबूत करते हुए चले। स्वभाव में अपनत्व हो और वस्तु स्वरूप का चिंतन हो, भेद ज्ञान हो वस्तु स्वरूप का निर्णय हो और हम निरंतर आगे बढ़ते चले। इससे ही हमारा उपयोग अशुभ पापों से बचेगा भैया, और जो जितना पापों से बचेगा, तत्व का चिंतन करेगा, तत्व का मनन करेगा, उसके जीवन में उतना निखार तो आएगा ही आएगा। इसलिए पापों का पक्ष ना हो, ये बात तो ध्यान रखना है। कोई भी चर्चा पापों के पक्ष के लिए नहीं होती, पापों का पक्ष ना हो हाँ, लेकिन पापों का परिणमन हो तो फिर भय भी ना। तो भैया ऐसा अपन अपने जीवन में समन्वय बना के रखें, पापों से भय भी हो तो भी स्वभाव का महत्व कम ना, स्वभाव को मूल बना के रखें भैया। स्वभाव को मूल बनाएंगे तो मुक्ति का मार्ग चलेगा। इसलिए सभी जीव पापों का त्याग करके और वीतराग स्वभाव की निष्ठा को अंगीकार करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारण तरुण लाचार्य जी महाराज की जय।